तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अभी हम लोग जाने वाले हैं मेरे फ्रेंड के पास। एक्चुअली उसके जो ओल्ड एंटाइजर है जो एवेंजर जैसे दिखते हैं सिमिलरली, तो उसका बहुत दिन रखने के बाद वो अभी स्टार्ट नहीं हो रही, बट ऑब्वियसली तो उसका कुछ प्रॉब्लम है। वो अभी हम लोग गैरेज वाले जो ओम प्रकाश भैया है उनको लेके जाएंगे मुलुंड, और आज उसके ऊपर ही ये व्लॉग बनाएंगे। तो आज ये व्लॉग आप लास्ट तक देखो। मैं अभी आया था टेम्पल, अभी हो गया मेरा काम, अभी हम लोग निकलने वाला है। तो पहले जाते हैं ओम प्रकाश भैया के पास और फिर निकलते हैं। अभी आया हूँ मैं गैरेज से, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पल्सर 150 का लाइनर। अरे ऊपर वाला पेपर अच्छा आ गया, ये लाइनर है। अच्छा हाँ, ये लाइनर है और वो डिस्क है ना। अच्छा ऊपर आज पूरा बाइक के ऊपर ही आपको ब्लॉग दिखेगा। अभी हम लोग जाने वाले एंटाइजर को, एंटाइजर को भी लाइनर इसका लगता है ना? इसका लगता है। तो आपके पास ओल्ड एंटाइजर है और उसका कोई पार्ट नहीं मिलता, तो आप ये 150 पल्सर है ना बजाज, उसका लगा सकते हो। तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा शॉर्टकट है आनंद नगर से डायरेक्टली मुलुंड आने के लिए। अभी हम लोग एलवेन रोड पे है, यू ही थोड़ा दूर जा रहे हैं, इसके लिए मैं अकेले हूँ और ओम प्रकाश जी बाइक चला रहे हैं। ये भी नहीं, सुलभ भी नहीं है। क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? पहले तो सर्विसिंग करना पड़ेगा। हाँ सर्विसिंग में फिर एक केबल जाम है, एक स्टेटर केबल जाम है, तो फिर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेक फिर खोलती है सब। ब्रेक पैड और क्या क्या चेक करना पड़ेगा? ब्रेक पैड, लाइनर और स्पार्कर, वो ये इसको क्या होता है स्पार्कर ना, प्लस स्पार्कर वो कितना पड़ेगा? लेके चलना पड़ेगा, करंट बहुत होता है। तो ये चालू नहीं होगा ना? नहीं अभी चालू नहीं, करंट का तकलीफ है, करंट अभी फर्क कम आ रहा है। तो अभी गाड़ी गैरेज पे लेके जाना पड़ेगा। तो इधर से हम लोग को मुलुंड से डायरेक्टली हम लोग को थाना लेके जाना पड़ेगा, थाने ईस्ट में। तो अभी उसको टोजन मार्ग पे लेके जाना पड़ेगा। तो यही होता है, आप अपनी गाड़ी को अगर ज़्यादा दिन रुकते हो, मतलब रखते हो, तो एटलीस्ट उसको चालू करके जो बंद किया करो है ना, तो उसके वजह से गाड़ी मेंटेन रहेगी। तो अभी देखते हैं क्या कुछ करते हैं, आपको बताएंगे। 20 मिनट्स लेटर। हाँ
हे गाइस सॉरी, लास्ट वीक हम लोग ने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, आई नो दैट, मगर ये वीक में ये मैं पहला व्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि हम लोग का रिस्टोरेशन का व्लॉग बाकी था एंटाइजर का, तो मैं वो व्लॉग आज कुछ भी करके अपलोड करूँगा। एडिटिंग चालू है, ज़बरदस्त और मज़ा आएगा इस व्लॉग को। मगर ये व्लॉग है ना थोड़ा अनकम्प्लीट हो गया था, आपने तो देख लिया होगा स्टार्टिंग से व्लॉग। मगर क्यों अनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि जिनकी बाइक है ना भाई वो रहते हैं मुलुंड में जो कि LBS रोड पे है, मगर वहाँ से गाड़ी हम लोग यहाँ पे लेके आए थे ठाणे ईस्ट को। कैन यू इमेजिन, इतना हम लोग ने गाड़ी धक्का मार के लाया था लिटरली, और मेरी और ओम प्रकाश भैया की कोई भी मतलब ऐसी ताकत ही नहीं बची थी कि हम लोग कुछ व्लॉग करें या कुछ गाड़ी का काम करें। उन्होंने तो भाई डायरेक्टली दुकान बंद करके घर पे चले गए, सोच सकते हो आप, इतना मतलब परेशान हो गया क्योंकि गाड़ी हैवी भी है और हम लोग ने लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब वो तो लॉन्ग है हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, उधर से इधर हम लोग ने धक्का मार के लाया था, क्योंकि एक टाइम तक हम लोग उसको टोचन मार सकते थे। मगर आप अगर LBS रोड से बिलोंग करते हो, कभी भी जाते हो आते हो, तो आपको पता ही है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगी जिसके वजह से आप इरिटेट हो जाओगे भाई। तो उसके वजह से हम लोग ने कुछ व्लॉग नहीं किया, ये व्लॉग थोड़ा अनकम्प्लीट लगा, तो आई एम सो सॉरी, मगर आगे से व्लॉग बहुत अच्छे से आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं एक न्यू सीरीज के ऊपर काम करने वाला हूँ, वो आपको जल्द से जल्द पता चलेगा। अगर मुझे आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पे मेरा ID दे दूंगा, स्काईकैप व्लॉग्स करके ही है, आ जाओ। कुछ भी रहेगा, एक्सपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा या मेरे नॉइस प्ले व्लॉग एडिशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, मैं आपको उधर दे दूंगा। एक मिनट भाई, ये देखो, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है जो कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ उसके वजह से। और मेन बात पता है आप लोगों को कि ये लेके कितना कंफर्टेबल लग रहा है मालूम है, मुझे तो अब भी लग रहा है, मूड हो रहा है कि इसको लेके जाऊँ बाहर और व्लॉग करना स्टार्ट करूँ, मगर कोई नहीं यार, हर चीज़ का एक टाइम रहता है। आप भी अगर व्लॉगिंग करना चालू कर रहे हो या सोच रहे हो व्लॉग करना चालू करने के लिए, तो कर दो यार। अपनी लाइफ दूसरों से शेयर करने से बजाय अपनी लाइफ आप कभी भी चाहे तभी आपके मूवमेंट्स देख सकते हो, ये बात सोच के मैंने व्लॉगिंग चालू किया था और मैं भी आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग करते रहता हूँ। क्यों, जिसने भी दिया है उसका मैं नाम अनवील नहीं कर सकता, ये बहुत टाइम से दिया था मेरे को, मगर मैंने आज इसका अनबॉक्सिंग भी कर दिया। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स, बट इन अ गुड वे, ओके।